कांग्रेस कार्यकारिणी के लिए करना होगा और भी इंतजार। प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह का बयान आया है और कहा कि काम करने वाले कार्यकर्ताओं को जगह मिलेगी, काम करने वाले कार्यकर्ताओं के नाम पर विचार किया जाएगा, पार्टी के लिए काम करने वालों को जगह मिलेगी। प्रदेश प्रभारी में पुरानी कार्यकारिणी पर सवाल उठाए हैं। पहले कार्यकारिणी में 1000 पदाधिकारी थे, सिर्फ पद लेकर घर बैठे थे, अब काम करने वालों को जिम्मेदारी मिलेगी। परफॉर्मेंस देखते हैं कौन अच्छा काम कर रहा है, तो परफॉर्मेंस को हम देखने के बाद सभी हमारे सीनियर लीडर से विचार विमर्श करके हम उसको करेंगे, लेकिन उसके ऊपर हम ये जरूर देख रहे हैं कि कौन काम करने वाले हैं, क्योंकि पूर्व में क्या रहा है कि कई हजार लोगों की कमेटी बनी हुई थी। हमारा एक संविधान के हिसाब से कमेटी छोटी होनी चाहिए, कमेटी के अंदर जो इफेक्टिव लोग हैं वो आने चाहिए, कमेटी के अंदर ऐसे लोग होने चाहिए जो पूरा 24 घंटा दे सकते हैं, फुल टाइम पॉलिटिशियन उनको आने की जरूरत है, तो उनके ऊपर हमारा आंकलन चल रहा है, बात भी कर रहे हैं कितना समय कौन दे सकता है, उसके बाद वो कमेटी आएगी। शैलेंद्र संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जो कांग्रेस कार्यकारिणी है उसको लेकर अब तमाम तरीके की बातें कांग्रेस के ही नेता कहते नजर आ रहे हैं, क्या मायने निकाले जाए, कितना और इंतजार करना होगा? शैलेंद्र, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हालांकि पुरानी कार्यकारिणी पर भी प्रदेश प्रभारी ने सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह का बयान भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि काम करने वाले कार्यकर्ताओं को जगह मिलेगी और जो काम नहीं करता है उसे जगह नहीं मिलेगी, काम करने वाले कार्यकर्ता के नाम पर विचार किया जाएगा, पार्टी के लिए काम करने वालों को ही जगह मिलेगी। प्रदेश प्रभारी ने पुरानी कार्यकारिणी पर भी सवाल उठाए। शैलेंद्र एक बार फिर से हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, भंवर जितेंद्र सिंह ने जो कहा उसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, बिल्कुल, प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह बड़ा साफ कह चुके हैं कि जो पुरानी कार्यकारिणी थी उसमें 1000 लोग थे, लेकिन उस कार्यकारिणी में ऐसे लोग भी थे जो पद लेकर घर बैठे थे, तो इस बार जो कार्यकारिणी बनेगी वो स्पष्ट है कि छोटी होगी और नियम के हिसाब से होगी। कहीं ना कहीं वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा कर गए, साथ ही ये स्पष्ट भी कर गए कि अब जो कार्यकारिणी बनेगी भले ही इंतजार हो रहा है लेकिन 24 घंटे संगठन को देने वाले लोगों को पार्टी में कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा और उन्हें ही पद दिए जाएंगे जो कि सक्रिय हो, ऐसा ना होगा कि जो पद लेकर घर बैठे हो और वो पद ले ले और फिर घर बैठकर यहाँ पार्टी के ना आयोजन में आए ना कार्यक्रमों में नजर आए, तो पार्टी की स्पष्ट लाइन है और इसीलिए भंवर सिंह ने कहा कि समय भी इसीलिए लग रहा है, जो समय लग रहा है कार्यकारिणी का लगातार वो इसीलिए लग रहा है कि हम लोग समझ रहे हैं कि कौन काम करने वाला है और कौन नहीं, पर उनकी बात से स्पष्ट है कि ये कार्यकारिणी बनने में अभी कुछ और समय लग सकता है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अभी और इंतजार करना होगा। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं और बहुत ज़रूरी भी है कि इंतज़ार करने के बाद ही अगर अच्छे रिजल्ट आए तो फिर सही है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। बड़ी खबर कोलकाता केस से जुड़ी आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। कोलकाता रेप और मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। और 3 जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। हड़ताली डॉक्टर काम पर वापस लौटे, एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और इससे पहले भी जब सुनवाई हुई थी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में, तो अपील की थी सुप्रीम कोर्ट ने उन डॉक्टरों से जो हड़ताल पर हैं, जो विरोध कर रहे हैं, कि आप वापस से काम पे लौट जाएं। और चलिए अब एक नजर हमारी खास पेशकश ग्राउंड जीरो पर। और अब बात ग्राउंड जीरो की। आज अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की बदहाली की बात करेंगे। अस्पताल में सालों बाद एमआरआई मशीन खरीदी गई, लेकिन मशीन तो बेकार पड़ी है, बीमार पड़ी है। महीनों बीतने के बाद भी मशीन का इंस्टॉलेशन तक नहीं हुआ है।
मरीज एमआरआई जांच के लिए भटक रहे हैं। बात सिवनी जिला अस्पताल की भी करेंगे। अस्पताल में 60% कर्मचारी महिलाएं हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां नहीं है। ग्राउंड जीरो भी आपको लिए चलेंगे। श्रवण महंत अंबिकापुर से हमारे साथ जुड़ेंगे, अजहर आपको नजर आ रहे होंगे सिवनी से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे बदहाली की। तो सरगुजा संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल। मेडिकल कॉलेज की सौगात मिले 8 साल बीत चुके हैं, लेकिन मरीजों को एमआरआई जांच का लाभ तक नहीं मिल पाया है। सालों बाद एमआरआई मशीन तो खरीद ली गई, लेकिन अब तक अस्पताल में इस मशीन का इंस्टॉलेशन नहीं किया गया। इस अस्पताल में दूर दराज से मरीज आते हैं, एमआरआई जांच की सुविधा नहीं मिल पाती। अस्पताल में एमआरआई मशीन के शुरू नहीं होने से मरीजों को निजी सेंटर जाना पड़ता है। अंबिकापुर में 2016 में मेडिकल कॉलेज अस्पताल शुरू हुआ, लोगों को उम्मीद थी कुछ बेहतरी होगी, लेकिन उसके कोई लाभ नहीं मिल पाए। हो जाता क्योंकि यहाँ से गांव से दूर दूर से आता है, जिला अस्पताल इतना बड़ा है, रहने के बावजूद भी यहाँ एमआरआई का बोलते हैं मशीन चालू नहीं है, तो और यहाँ से चालू नहीं हो रहा है तो प्राइवेट में कराना पड़ता है या रायपुर यहाँ से रिफ़र करेंगे तभी हो पाएगा। और यहाँ से चालू हो जाता तो गरीब लोगों का जो दूर दूर से आते हैं ज़िला में उनका इलाज हो जाता यहीं से। जैसे कि अभी भी हम लोग का मरीज हैं एक यहीं, तो यहाँ से किसी को रायपुर भेज रहे हैं तो कहीं कहीं पर रिफ़र करते हैं तो प्राइवेट में भेजते हैं। एमआरआई मशीन अगर लग जाता, चालू हो जाता तो बहुत ही सुविधा हो जाता, तो भाई हम लोग को पूरा बीमारी का पूरा जड़ सहित पता चल जाता, फिर उसका बढ़िया सही से इलाज हो जाता, हमें इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ता। एमआरआई मशीन निश्चित रूप से इस अंचल के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। इसे तो क्रयादेश जारी हो चुका था, विप्रो जी कंपनी को इसके आदेश मिल चुके थे, लेकिन जो वही बजट उपलब्धता के चलते इसमें निश्चित रूप से करीब 8 से 10 महीने का विलंब हुआ है। मशीन अब लाई जा चुकी है, अब उसके कंपोनेंट्स को जहां पर अभी वर्तमान में एक्सरे रेडियो डायग्नोसिस विभाग स्थापित है वहाँ पर उसकी स्थापना की जा रही है। 1.5 से 2 महीने में MRI को मरीजों के उपयोग हेतु उपयोग में ला पाएंगे, विशेषकर ट्रॉमा में, न्यूरो सर्जरी केसेस में जहां मस्तिष्क में ब्रेन में ट्यूमर है, ऑपरेशन है, चोट है या सड़क दुर्घटना है, ऐसे प्रकरणों में या स्पाइनल कॉलम में कोई समस्या है उनमें यह अतिशय उपयोग में आने वाला है और यह हमारे अति आवश्यक उपकरणों में या सुविधाओं में से एक है जिसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सालों से मांग थी कि MRI मशीन लगे, लेकिन MRI मशीन यहाँ लगाया जा रहा है लेकिन उसकी शुरुआत नहीं हो पा रही है। ऐसे में दूर दराज से इलाज कराने आए, जांच कराने आए मरीज काफ़ी परेशान का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग भी हैं, इलाज कराने पहुँचे हैं, MRI मशीन यहाँ पे लग रहा है, जानकारी है कितना इम्पोर्टेंट होता है? जी सर, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जबकि संभाग का पूरा सरगुजा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, ठीक है, यहाँ भी लगना जरूरी है और ग्रामीण लोग को परेशान नहीं होना चाहिए। कहे कि संभाग का अगर MRI मशीन लग जाएगा तो हमको सुविधा भी होगी प्लस पूरा ग्रामीण को सुविधा होगी और ये ज़रूरी है लगना। और यहाँ 8 साल से लगने के लिए बोल रहे हैं, अभी तक नहीं लग पाई है, अभी तक चालू नहीं हो पाई है। आप क्या कराने आए थे? मैं सिटी करवाने आया था सर। तो हो गया है, सिटी हो गया है, सिटी की मशीन लग गई है, मगर MRI लग जाएगी तो बहुत हेल्प हो जाएगा सबका। जो बाहर जा रहे हैं वो पैसा बचेगा, सरकारी हॉस्पिटल है तो यहाँ लगना चाहिए। हर जगह से आते हैं, आसपास से, हम लोग वाडप नगर से आए हैं, आज हम लोग करवाने आए हैं, तो इसलिए लगना चाहिए, यहाँ लग जाए तो अच्छी बात है। अगर लग जाएगा तो कितना सुविधा मिल जाएगा? बहुत सुविधा, जो रायपुर जाते हैं वो पैसा बचेगा और MRI कराते हैं वहाँ वो भी पैसा, आना जाना सबसे मेन तो आना जाना होता है, इसलिए यहाँ लगना चाहिए। सीधे ग्राउंड जीरो सहयोगी श्रवण इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे, कुछ लोग भी उनके साथ हैं। श्रवण, कब मिलेगी सुविधा, यही सबसे बड़ा सवाल। श्रवण जी बिल्कुल, कब मिलेगी सुविधा, मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो में हूं और आप देख सकते हैं रेडियो डायग्नोस्टिक विभाग है और इसी के अंदर वो MRI मशीन को रखा गया है महीनों से लेकिन चालू नहीं हुआ है। एक भाई साहब यहाँ पर मिले हैं हमको, कहाँ से आए हैं आप?
मैं आपके चैनल और चैनल के लोगों को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ, है ना। ये बताइए कहाँ से आए हैं आप? मैं बलरामपुर से आया हूँ। क्या हुआ है आपको यहाँ पहुँचने में? मेरा नाम देवगन प्रसाद मेहता है और स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर कार्यक्रम में गए हुए थे और आते समय पिकअप वाले ने ठोकर मारी रोड में, तो सिर में चोटें आई थी। तो मैंने बलरामपुर से अंबिकापुर जिला हॉस्पिटल में आया MRI के लिए, सिटी स्कैन के लिए। तो यहाँ पे सिटी स्कैन हुआ और सोचा कि पूरे शरीर का अगर फिटनेस का जांच हो जाता तो बहुत ही अच्छा था। तो अंबिकापुर में MRI मशीन की अगर व्यवस्था हो जाती तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था की बात है और यहाँ पे लोगों को सुविधा भी हो जाता और सभी डॉक्टर्स भी यहाँ पे रहते तो ट्रीटमेंट सही होता जो रायपुर के लिए परेशान होते हैं। देखिए ललित, तड़प देखिए इन मरीजों का। ये बलरामपुर जिला से आए हैं और ये इनके परिवार में 3 लोगों के एक्सीडेंट हुआ था। सीटी स्कैन यहाँ पे है, ये चाहते हैं कि MRI हो क्योंकि और अच्छे से जांच हो। कुछ स्थानीय और भी लोग हैं, ये बताइए कि MRI की कब से मांग थी, कितना यहाँ पे सुविधा मिलता अगर MRI होती? मेरा नाम विजय सोनी है, मैं अंबिकापुर के निवासी हूँ और सरगुजा के लोगों का मांग लगभग 4-5 सालों से MRI मशीन का था, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि 1 महीना पहले MRI मशीन आ चुका है लेकिन इसका सेटअप तैयार नहीं हो पाया अभी तक। और सेटअप तैयार होने में बोल रहे हैं कि 2 महीने का समय लगेगा, जबकि अभी तक सेटअप तैयार हो जाना चाहिए और सरगुजा के लोगों को इसका लाभ मिल जाना चाहिए था। लेकिन अब पता नहीं, इस मामला को तो नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्यों इतना लेट हो रहा है, लेकिन सरगुजा वासियों को जल्द से जल्द इसका लाभ मिले ताकि लोग बाहर जाकर के इसका MRI का जो अफोर्ड नहीं कर पाते, इसका जो खर्चा है महंगा है वो बाहर अफोर्ड नहीं कर पाते सरगुजा के लोग। और अगर लोकल जल्दी चालू हो जाता तो लोगों को यहाँ लाभ उठाने में सहूलियत होती। अच्छा, आपको अगर MRI की अगर ज़रूरत पड़ता है तो आप क्या करेंगे? यहाँ नहीं है, यहाँ पे अगर सुविधा हो जाता तो जो किराया भाड़ा लगा करके रायपुर या अन्य जगहों पे जाते हैं तो वो चीज़ों को सुविधा होने के बाद कम खर्चे में लोग यहाँ पे अवेलेबल हो जाता तो सभी ट्रीटमेंट हो जाते, है ना। और भी हम कुछ लोग यहाँ पे, उनसे बात करेंगे। बात आप करिएगा श्रवण, वक्त की थोड़ी कमी है। बहुत धन्यवाद आपका, आपके साथ जो लोग जुड़े उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोगी श्रवण विस्तार से बातचीत कर रहे थे। अगली खबर का रुख करेंगे। कोलकाता कांड के बाद पूरा देश दहल उठा है। देश भर के अस्पतालों में महिला डॉक्टर और स्टाफ की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या MP में अस्पतालों में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हैं? इसके लिए ग्राउंड जीरो की टीम सिवनी के जिला अस्पताल पहुंची। यहां जो सुरक्षा इंतजाम है नाकाफी नजर आए। जिला अस्पताल में 60% महिला कर्मचारी हैं लेकिन महिला स्टाफ की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं। 400 बेड के अस्पताल में हर वक्त हजारों मरीज रहते हैं, उनकी सुरक्षा भी सवालों के घेरे में। जिला अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा निजी एजेंसी को दिया गया, इसने महज 20 सुरक्षा कर्मियों को ड्यूटी पर लगाया है। 2 शिफ्ट में ये काम करते हैं, 1 शिफ्ट में सिर्फ 10 सुरक्षा कर्मी होते हैं, जो पर्याप्त तो कतई नहीं कहा जाएगा। CCTV कैमरों की बात की जाए तो अस्पताल परिसर में महज 25 कैमरे हैं, अभी तक सही तरीके से ये काम भी नहीं कर पा रहे हैं। पुराने कैमरों ने काम करना बंद कर दिया। आए दिन अस्पताल में चोरी के मामले आते हैं, स्टाफ के साथ विवाद के मामले आते हैं, पुलिस से शिकायत की जा चुकी है लेकिन सुरक्षा पर किसी का ध्यान नहीं। और ये जो अस्पताल है ये इतना बड़ा व्यापक रूप में है और यहाँ पर सिवनी जिले के जितने भी मरीज हैं लगभग बहुत से पहुँचते हैं, विशेषकर महिलाएं। पर यहाँ देखने में ये आता है कि यहाँ पर सुरक्षा के नाम पर कोई ऐसी अच्छी व्यवस्था नहीं है, सुरक्षा कर्मियों की बहुत कमी है और जो भी यहाँ पर यदि सुरक्षा कर्मी हैं तो उनका भी चरित्र सत्यापन नहीं होता। यहाँ पर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है और यहाँ पर आए दिन सामान चोरी होते हैं मरीजों के परिजनों के मोबाइल का भी। मंगलसूत्र अभी कुछ दिन पहले यहाँ मंगलसूत्र चोरी हुआ था, यहाँ के कैमरे भी चालू नहीं हैं और सारे कैमरे बंद पड़े हुए हैं और सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ सुविधाएं सर सुरक्षा को लेकर के CCTV कैमरों की मात्रा कम है, गार्ड की उतनी व्यवस्था नहीं है और काफ़ी तरह के समाज के असात्विक लोग यहाँ पर घूमते नज़र आते रहते हैं, वो चीज़ें काफ़ी यहाँ सुधार होनी चाहिए। इस वक्त मैं सिवनी जिला अस्पताल में मौजूद हूं और जो जिला अस्पताल के सिविल सर्जन हैं विनोद नौकर जी वो भी हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानते हैं कि सुरक्षा के इंतजाम जिला अस्पताल परिसर में क्या है। डॉक्टर साहब, क्या अपने यहाँ प्रोवाइंस है और क्या सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पर सुरक्षा कर्मी है? जिला चिकित्सालय सिवनी और सभी चिकित्सालयों में जैसा कि आप सभी को विदित है कि पुरुष और महिला स्टाफ पर्याप्त संख्या में रहता है। तकरीबन 60-70% हमारे यहाँ महिलाएँ नर्सिंग स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ और चिकित्सकों के रूप में कार्यरत रहते हैं।
साथ में चिकित्सकीय कार्य ऐसा है कि इनकी शिफ्ट ड्यूटीज लगती हैं, ऑड आवर्स पे भी इनको काम करना पड़ता है। इनकी सुरक्षा और देखरेख या वर्क प्लेस में अपन चाहे सुरक्षा के बजाय वर्क प्लेस को बेहतर बनाने के उद्देश्य से हम लोग कई प्रकार के सिंपल प्रोटोकॉल्स का फॉलो करते हैं। जैसे हम लोग कोशिश करते हैं कि इनके ड्यूटी रूम्स ओपन रहें, खुले में रहें, और नाइट ड्यूटी में वर्क करते हुए कुछ सिस्टर्स लोग जो नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स है, उनके जो कक्ष हैं वो कॉमन वार्ड से जुड़े हुए रहते हैं। कोशिश ये रहती है कि एक समय में एक फ्लोर पे मैक्सिमम नर्सिंग स्टाफ को साथ में रखा जाए। ऑपरेशन थिएटर वगैरह में मिनिमम 2 या 3 नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी एक साथ लगाते हैं, और सपोर्ट स्टाफ भी सब महिलाओं को ही उस वक्त लगाते हैं। और अब सीधे आपको सिवनी लिए चलेंगे, जहां अजहर आपको नजर आ रहे होंगे। अजहर, आपके साथ कुछ लोग भी हैं, चर्चा करें व्यवस्थाओं को लेकर, बदहाली को लेकर। जी बिल्कुल जी, सिवनी जिला अस्पताल की तस्वीर आपने दिखाई। हाल ही में कलकत्ता में एक बड़ा ही भीषण हादसा हुआ, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी सवाल खड़े हुए। मैं बात सिवनी जिला अस्पताल की ही करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी रोजाना हजारों मरीज यहाँ पर आते हैं, और खासकर यहाँ पर जो स्टाफ भी है उनकी भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो समाज के जागरूक लोग हैं, उन्हीं से जानते हैं कि जिला अस्पताल में फिलहाल क्या स्थिति है और क्या वहाँ ज़रूरी चीज़ें और सुरक्षा के लिए इंतजाम होने चाहिए। जी, आपका नाम? मेरा नाम धनंजय सिंह है, और सबसे पहले तो न्यूज़ 18 और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस मुहिम को लेकर लोगों तक जा रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं। और जिस तरीके से आपने बात करी कि कलकत्ता में जो हादसा हुआ, निश्चित तौर पर बहुत ही बुरा हादसा था और वैसा होना नहीं चाहिए, पर चूंकि वहाँ यह हादसा हुआ तो वहाँ की बात निकल के आई है। ऐसे बहुत सारे ज़िलों में, बहुत सारे हॉस्पिटलों में बहुत सारी तरह की हादसे होते हैं। जैसे कि हमारा सिवनी ज़िला है, यहाँ पर कई बार बच्चों को, छोटे जो नवजात शिशु हैं उनकी चोरी हो चुकी है। यहाँ पर सुरक्षा के जो व्यवस्था है, आप यहाँ पर देखेंगे कैमरे सारे बंद पड़े हैं, सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। जिस तरीके से वो साइकिल स्टैंड वालों को ठेका दिया जाता है, वो एक एक को रोक के पैसा लेते हैं, उस हिसाब से तो सिक्योरिटी वालों को भी वहाँ होना चाहिए, क्योंकि पूरे ज़िले के सारे गरीब गुरबा लोग वहाँ पर आते हैं अपना इलाज कराने के लिए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में वहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से अगर वो आते हैं तो उनका कोई देखने वाला नहीं है। सबसे ज़्यादा नर्स हैं, नर्सों की सुरक्षा नहीं है। रात को कोई भी अमानवीय लोग आते हैं, असामाजिक तत्व आते हैं दारू पी के, बाकी और लोगों से भी चर्चा करें। ये सब बहुत सारी चीजें जिसमें सरकार को संज्ञान। जी, बिल्कुल। कुछ लोग और भी हैं मेरे साथ, मैं उन्हीं से जानता हूँ कि क्या आप यहाँ के जैसे जानकर हैं, आप जानते हैं सिवनी में जिला अस्पताल है, वहाँ के सुरक्षा इंतजाम क्या? यहाँ पर अभी फिलहाल में मेरी दृष्टि से, क्योंकि मैं अस्पताल के साइड पे ही रहता हूँ अकबर वार्ड में, तो ऐसा कोई इंतजाम यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से तो नजर नहीं आता। जैसे कि अब अस्पताल है तो उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति की आवाजाही अनावश्यक तौर पे हो जाती है, और जैसे जो मुख्य द्वार है जहां से एंट्री होती है थोड़ी कमी है। बहुत धन्यवाद अजहर, आपके साथ जो लोग जुड़े उन्होंने अपनी समस्याएं बताई, और उम्मीद है कि जल्द निराकरण होगा।